तो दोस्तों यूपी पुलिस की तरफ से बहुत ही बढ़िया न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे यूपी कांस्टेबल 2018 के लिए जो भर्ती प्रक्रिया है, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भरा जाना स्टार्ट हो चुका है। तो जल्दी से आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी है, तो वहां से जाके आप जल्दी जल्दी इसके लिए अप्लाई कर दो, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो। ठीक है, तो जान लेते हैं कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल है, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी होगी फॉर्म फिलिंग के समय। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट आई है। तो यहाँ पे दो पोस्ट आई है, एक आरक्षी नागरिक पुलिस की है, दूसरा आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी की पोस्ट है। ठीक है, तो जो पहली वाली पोस्ट है उसके लिए 31,360 पोस्ट आई है, एंड जो दूसरी वाली पोस्ट है वो 18,208 है। तो बहुत ही धमाकेदार पोस्ट है, बहुत ज़्यादा पोस्ट है, आप इसके लिए जरूर से जरूर भर देना। एंड जो पे बैंड है, यानी कि जो आपको सैलरी मिलेगी, वो 5,200 से 20,200 रुपये तक है, एंड जो ग्रेड पे है वो 2,000 है। ठीक है, एंड जो नए वेतनमान के अनुसार जो मैट्रिक्स हो जाएगी वो 21,700 है। तो बहुत बढ़िया पोस्ट है यार, बहुत बढ़िया सैलरी भी है, तो जरूर से जरूर इसके लिए आप अप्लाई करो जाके जल्दी से। तो कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल है, तो महिला पुरुष दोनों ही इसके लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन जो महिला छात्र होंगी वो आरक्षी प्रादेशिक आर्म कॉन्स्टेबलरी की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। ठीक है, उनके लिए सिर्फ कौन सी पोस्ट अप्लाई कर सकती हैं, वो आरक्षी नागरिक पुलिस की। ठीक है, तो जिसकी पोस्ट जो है वो 31,360 है, तो ये भी काफ़ी पोस्ट है, तो आप सिर्फ इसी के लिए अप्लाई कर सकती हैं, पुरुष जो है वो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो है वो ऑनलाइन आवेदन की सारणी कब है, कब तक आप इसको भर सकते हैं, तो जिसका जो आखिरी डेट है वो 8 दिसंबर 2018 तक है। तो उसके पहले पहले आप जरूर से इसको फॉर्म को भर देना भाई लोग। ऑफलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 10/12/2018 है। ठीक है, तो मेन आप याद रखो कि ये है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 8 दिसंबर 2018 है। एंड जो फीस है, तो सभी श्रेणी के लिए, यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सभी के लिए आपको 400 रुपये पे करने होंगे। तो इस बार कोई छूट नहीं रखी है इन्होंने, सबको 400 रुपये देने होंगे। एंड उसके अलावा और जो जरूरी बातें हैं वो जान लेते हैं। तो जो शैक्षिक अर्हता है, ठीक है, जैसे कि आपको क्या है कि 12वीं कक्षा बस पास होनी चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, एंड उसके बाद से क्या है, एंड जो आयु सीमा है, ओके, आयु सीमा क्या है कि यहाँ पे आपको 1/7/2018 से आयु 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेना चाहिए, एंड 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ छूट भी आपको मिल रही है। ठीक है, सबसे पहले छूट क्या आएगी आपको यहाँ पे, आई थिंक ये आप 23 साल तक इसमें भर सकते हो, अगर आप इसकी उम्र 23 साल है तब भी आप इसमें भर सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए पूरा लिखा भी हुआ है, आपको यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पूरा जो है छूट का है। तो आप अगर 23 साल के हो तो इसमें भर सकते हो, एंड 18 वर्ष से कम होने नहीं चाहिए, एंड 23 वर्ष से ज़्यादा आपके नहीं होने चाहिए। एंड जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, एंड 25 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यही चीज़ है, आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि छूट का जो है वो एक एक वर्ष बढ़ाई गई है। तो यहाँ पे आप 23 साल तक पुरुष एंड 26 साल तक जो महिला है वो भर सकती हैं। एंड इसके बाद जो चरित्र है वो अच्छा होना चाहिए आपका, है ना, वैवाहिक स्थिति है, ये सब भी लिखा हुआ है। एंड जो शारीरिक स्वस्थता है ये भी बहुत जरूरी है, आपको एकदम मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, कि कोई भी बाधा पड़ने पर आप हर संभव दक्षतापूर्ण एकदम पालन कर सकते हैं अपने कर्तव्यों का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि शारीरिक स्वस्थता के लिए, तो आप एकदम शारीरिक स्वास्थ्य एकदम आपको अच्छे से होना चाहिए। एंड जो भर्ती प्रक्रिया है, ठीक है, भर्ती प्रक्रिया सबसे पहले तो ये है, तो ये क्या है कि आपका एक तो रिटर्न एग्जाम होगा इसमें। ठीक है, एक तो रिटर्न एग्जाम होगा जो कि ऑप्शनल होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के इसमें प्रश्न पत्र होंगे, और जो अंक होगा वो 300 अंक का होगा, यानी कि जो आपका पेपर होगा वो 300 अंक का होगा, जिसमें कि सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, तार्किक क्षमता, तो ये सारे जो होंगे वो प्रश्न जो आपके इससे रिलेटेड आएंगे। तो इसके लिए भी मैं आपको और भी प्रिपरेशन जल्दी जल्दी कराऊंगा। ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़े रहना। एंड जो इसका सिलेबस है वो परिशिष्ट एक, यानी कि बहुत नीचे जो है वो इसका पूरा दिया हुआ है सिलेबस, तो उसको भी मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी जाके देख सकते हैं, पूरा इसका जो डिटेल सिलेबस है वो पूरा पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो इसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दी है। ठीक है, एंड जो ये इसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें होगा, इसमें कोई भी आपको पर्चा नहीं मिलेगा कि आप पर्चे में इसको ओएमआर भरो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको कंप्यूटर पे इसकी परीक्षा देनी होगी। तो आप कंप्यूटर पे बैठने की प्रैक्टिस कर लो अभी से। ठीक है, क्योंकि ये जो पेपर होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। एंड उसके बाद से अगर आप लिखित परीक्षा में पास हो जाते हो तो आपके लिए दस्तावेजों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण का जो है वो प्रावधान होता है, यानी कि आपको इसके लिए बुलाया जाएगा। यानी कि क्या है कि जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई होंगे, एंड जो शारीरिक मानक दक्षता, यानी कि आपकी ऊंचाई, लंबाई और जो सीना फुलाई, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। तो जो पुरुषों के लिए है वो क्या है कि ऊंचाई जो होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम ऊंचाई जो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एंड अनुसूचित जातियों के लिए है, यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी के लिए है, लेकिन जो एसटी के लिए है वो है 160 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 160 सेंटीमीटर जो है वो एसटी के लिए है। एंड जो सीना है जो होना चाहिए वो बिना फुलाए
79 सेंटीमीटर एंड कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए, ठीक है, जो कि जनरल ओबीसी एंड एससी वाले हैं। एंड जो एसटी के लिए है उनके लिए थोड़ी छूट है, उनके लिए क्या है कि 77 जो है वो बिना फुलाए होना चाहिए एंड जो 82 सेंटीमीटर है वो फुलाने पर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे टिप्पणी में लिखा है कि 5 सेंटीमीटर जो सीना होगा वो फूलना चाहिए। एंड उसके बाद तो महिला क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए ऊंचाई है एंड वजन है। तो ऊंचाई क्या है कि यहाँ पे आपको 152 सेंटीमीटर आप ऊंची होनी चाहिए एंड जो अनुसूचित जनजाति की जो महिला है वो 147 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए एंड जो वजन होना चाहिए वो न्यूनतम जो है वो 40 किलोग्राम होना चाहिए। तो वेट लॉस के चक्कर में ना पड़ना, वेट बढ़ा लो, ठीक है। एंड उसके बाद से दूसरे वाले स्टेप में अगर आप पास हो जाते हो तो आपको तीसरे स्टेप के लिए जो है वो बुलाया जाएगा। तो बुलाया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, तो उसके बाद किया जाएगा आपको शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी कि आपको दौड़ाया जाएगा। पुरुषों के लिए जो होगा वो 4.8 किलोमीटर है दौड़, जो कि 25 मिनट में पूरी करनी है। एंड महिलाओं के लिए क्या है, 2.4 किलोमीटर की दौड़, जो कि आपको 14 मिनट में पूरी करनी है, ठीक है। तो अगर आप दौड़ते उड़ते नहीं हो, आलसी हो, तो दौड़ना शुरू कर दो, मिल्खा सिंह बन जाओ एकदम खतरनाक। आपको इसमें दौड़ जरूरी है, क्योंकि 25 मिनट में आपको 4.8 यानी कि लगभग लगभग 5 किलोमीटर की दौड़ है भाई, तो हलवा नहीं है, ठीक है। एकदम प्रैक्टिस अभी से कर दो, एकदम छाती एकदम मजबूत कर लो, तभी आप उसमें दौड़ पाओगे। एंड उसके बाद जो अंतिम जो चयन है वो सारी चीज़ें आपको बाद में इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट पे इस पर जो है वो डाल दी जाएगी, ठीक है। तो ये 3-4 प्रक्रिया है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा एंड उसके बाद से आपका जो है वो हाइट एंड सीना जो है और जो जो भी वजन है वो सारी चीज़ें नापी जाएंगी एंड उसके बाद से आपका दौड़ होगा, ठीक है। तो ये सारी तीन तीन प्रक्रिया है एंड उसके बाद से जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको, सारी जितनी भी बाधाएं, जितने भी आपके स्टेप्स हैं, वो सबको आपको फॉलो करना होगा एकदम अच्छे से, ठीक है। एंड यहाँ पे और भी छूट दी है अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए, अलग अलग जो है वो छूट का यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको आराम से बैठ के देख सकते हैं। एंड इसके बाद से जो ऑनलाइन आवेदन करने के जो और भी जो जो स्टेप्स हैं वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। इसको देखना चाहते हैं तो इसके इसके जो नोटिफिकेशन है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे इसकी लिंक दे दी है, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने दे दी है, तो वहाँ से जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो ये है सिलेबस है वो सारा चीज़ आपको नीचे दिया हुआ है, ठीक है। एकदम नीचे आप चले जाओगे नोटिफिकेशन के एकदम नीचे जाओगे तो यहाँ पे पूरा आपका सिलेबस लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जैसे जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी एंड जो न्यूमेरिकल एंड जो वर्बल रीजनिंग है, जितनी भी चीज है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और बाकी मैं इसकी जो डिटेल है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से बता दूंगा कि क्या क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से, जाकि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आते हैं ज़्यादातर। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैंने जो आपको जो अभी मेन बातें थी, जो इंपॉर्टेंट बातें थी, वो मैंने बता दी हैं, ठीक है। एंड अगर इसके अलावा भी आपको कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, कोई भी बात हो यार, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत खटाखट कमेंट करो, ठीक है। और जल्दी मैं आपको उसका जो है वो आंसर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके लिए और भी वीडियो लाऊंगा, तो आप इस चैनल से डेफिनेटली इस चैनल से जुड़े रहना और इस बेल आइकन को जरूर से दबा देना, ठीक है। सभी कहते हैं लेकिन कोई दबाता वाता नहीं है, लेकिन दबा देना, ठीक है, आपके लिए हो सकता है हेल्पफुल हो जाए। तो जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।